गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज। बच्चों, यह क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है। 11th के जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था संवेदन, अवधान और प्रत्यक्षीकरण, चैप्टर 5 है ना। चैप्टर 5 मैं बता रही हूँ। अभी मैं आपको उद्दीपक का स्वरूप एवं विविधता के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। आप इसे ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए, समान उद्दीपक से तात्पर्य उन सभी कारकों, घटनाओं एवं वस्तुओं से होता है जिससे हम प्रभावित होते हैं, है ना। सामान्यतः उद्दीपक, जिसे हम स्टिमुलस भी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। तो उद्दीपक से तात्पर्य उन सभी कारकों, घटनाओं एवं वस्तुओं से होता है जिससे हम प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक अर्थ में उद्दीपक का अर्थ कुछ इससे हटकर बतलाया गया है, है ना। हम लोग वैज्ञानिक रूप से, मतलब थोड़ा साइंटिफिकली तौर पे, हम लोग इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा अलग ढंग से होता है। रेबर महोदय, रेबर जो थे एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 2001 में उद्दीपक के बारे में कुछ परिभाषाएँ दी। कुछ ये जो परिभाषा दी, वो ये परिभाषा इस प्रकार है। उद्दीपक से तात्पर्य कोई चीज़, अर्थात कोई भी घटना, किसी चीज़, संप्रत्यय या प्रात्यक्षिक वस्तु में परिवर्तन, आंतरिक या बाह्य जो भी परिवर्तन हो, है ना, जो प्राणी पर इस तरह का प्रभाव डालता है जिससे उसके व्यवहार में पहचानने योग्य परिवर्तन होता है, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपक। उद्दीपक किसको कहते हैं, फिर से सुनिए, ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी घटना होता है, जिसे कोई चीज़ है, कोई घटना है, संप्रत्यय है, प्रत्यक्ष है, मतलब उसका जो परिवर्तन होता है, उस वस्तु में जो परिवर्तन होता है, चाहे आंतरिक परिवर्तन हो या बाह्य परिवर्तन हो, तो कोई चीज़ जो प्राणी पर इस तरह का प्रभाव डालता है जिससे उसके व्यवहार में पहचानने योग्य परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। और देखिए, अब इस परिभाषा का हम लोग विश्लेषण करके देखें तो हम लोग क्या पाएंगे, कुछ देखिए। अब देखिए, इसमें कुछ निम्नलिखित तथ्य पाए जाएंगे, आप इसे लिखें कि जब हम इस परिभाषा का विश्लेषण करेंगे तो हम इसमें क्या पाएंगे, कुछ निम्नलिखित तथ्य पाएंगे। इस परिभाषा को किसने दिया, रेबर महोदय ने दिया था, है ना। तो पहला है इसका, उद्दीपक की श्रेणी में किसी भी वस्तु या घटना को रखा जाता है बशर्ते कि उससे प्राणी के व्यवहार में पहचानने योग्य परिवर्तन हो। क्या हो, उससे पहचानने में का परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग इस श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी आवाज़ को सुनकर उसके तरफ व्यक्ति प्रायः सिर घुमा लेता है, जहां आवाज़ एक उद्दीपक का उदाहरण है जो व्यक्ति में पहचानने योग्य परिवर्तन कर रहा है, मतलब सिर घुमा रहा है। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आपको किसी कोई भी आवाज़ सुनाई देता है, चाहे बिल्ली का, कुत्ता का, आदमी का, हवाई जहाज़ का, या किसी भी चीज़ का आवाज़ सुनाई देता है, गाड़ी हो या कुछ भी हो, इसका आवाज़ सुनाई देता है, तो आप क्या करते हैं, सिर को उधर घुमा लेते हैं जिधर से आवाज़ आता है, और आप उस आवाज़ को सुनते हैं। तो ये होता है, सिर का घुमाना क्या होता है, उस आवाज़ में पहचानने के परिवर्तन होता है हम लोग का, और आवाज़ एक उद्दीपक का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये इसका एक उदाहरण होता है कि इसका उद्दीपक का, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसका विश्लेषण किया है रेबर महोदय ने कि उद्दीपक का स्वरूप बाह्य एवं आंतरिक कुछ भी हो सकता है। ऊपर के उदाहरण में आवाज़ एक बाह्य श्रेणी का उदाहरण है, उद्दीपक का स्वरूप आंतरिक भी होता है। जैसे व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, वह परेशान नज़र आने लगता है और अत्यधिक दर्द बढ़ने पर वह कराहने भी लगता है। यहाँ दर्द एक आंतरिक श्रेणी का उद्दीपक है जो प्राणी में कुछ प्रत्यक्षणीय या पहचानने योग्य परिवर्तन कर रहा है। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि व्यक्ति में बाह्य परिवर्तन हुआ, अब हम लोग देख रहे हैं कि इस उद्दीपक में आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति के पेट में दर्द हो जा रहा है
और जब दर्द होने लगता है तो व्यक्ति परेशान होने लगता है, उसके सिर में दर्द होता है तो व्यक्ति क्या होता है परेशान होने लगता है, और जब अत्यधिक दर्द बढ़ने लगता है तो वो व्यक्ति कराहने लगता है या दर्द से छटपटाने लगता है, तब उसका हम लोग क्या करते हैं, तब उसका प्रत्यक्षण होता है कि ये व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जब रेबर महोदय ने अपना ये परिभाषा दिया था कि कोई चीज़ जो प्राणी पर इस तरह का प्रभाव डालता है जिससे उसके व्यवहार में पहचानने योग्य परिवर्तन होता है, तो उसका तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। उन्होंने ये उद्दीपक की परिभाषा दी है। तो अब देखिए, इसका विश्लेषण करने पे हमें दो बातें सामने आई हैं। एक बातें हैं कि जिसमें उद्दीपक बाह्य परिवर्तन लाता है और जो कि पहचानने योग्य होता है, और दूसरा है कि इसमें व्यक्ति इस तरह का जो घटना होता है या उस तरह का जो उद्दीपक होता है आंतरिक परिवर्तन लाता है, आंतरिक परिवर्तन उसमें प्रभाव डालता है और उसका परिवर्तन फिर बाद में देखने योग्य हो जाता है। अब देखिए, बाह्य परिवर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई आप बैठे हुए हैं, कहीं से कोई आवाज़ हो गया, किसी तरह का कोई भी आवाज़ हुआ, तो आप जैसे मान लीजिए गाड़ी का आवाज़ हुआ या किसी चीज़ का आवाज़ होता है, तो आप क्या करते हैं, उधर उस तरफ मुड़ करके देखते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ हुआ, तो ये बाह्य परिवर्तन होता है ना। वो तुरंत ही आदमी पहचान लेता है कि ये आवाज़ कहाँ से आया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस दिशा से आ रहा है या किस चीज़ का आवाज़ है, मान लीजिए कुत्ता का, बिल्ली का, आदमी का, गाड़ी का या हवाई जहाज़ का या अन्य किसी का भी आवाज़ है, उसको देख करके हम लोग मुँह मोड़ लेते हैं उस तरफ और उसके आवाज़ को पहचान करके उसके प्रति हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं, जिस तरह का भी प्रतिक्रिया होता है, चाहे वो आवाज़ हो या घटना हो या कुछ भी हो, है ना। तो ये बाह्य परिवर्तन का उदाहरण होता है। अब देखिए, इसमें आंतरिक परिवर्तन भी होता है। उद्दीपक में हमारे यहाँ क्या होता है, उद्दीपक में बाहरी या आंतरिक परिवर्तन भी होता है। तो ये आंतरिक परिवर्तन किसको कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके पेट में दर्द हो रहा है, धीरे धीरे उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या पेट या फिर सिर में दर्द हो रहा है, तो ये पेट का दर्द या सिर का दर्द आपको स्पष्ट रूप से बाह्य रूप से दिखाई नहीं देगा, सिर्फ महसूस किया जाएगा। लेकिन जब वो दर्द काफ़ी थोड़ा बढ़ने लगता है, धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगता है, तो उससे व्यक्ति में छटपटाहट आने लगता है। जब छटपटाहट होने लगता है तो क्या होता है, वो अस्पष्ट रूप से व्यक्ति के व्यवहार में दिखने लगता है, वो अस्पष्ट वो समझ में आने लगता है। तो ये होता है आंतरिक व्यवहार। अब इससे स्पष्ट होता है, उद्दीपक प्राणी को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। क्या होता है, व्यक्ति को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है, जिसे प्राणी में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसे पहचाना या इसके बारे में जाना जा सकता है, जिसे व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसके बारे में जाना या समझा जा सकता है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन, ठीक है। ये किसका दृष्टिकोण है, ये हमारे रेबर महोदय का दृष्टिकोण है। रेबर महोदय ने इस परिभाषा को की खोज की है और उसे बताया है। ऐसे तो मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपन को कई दृष्टिकोणों से उसके कई प्रकार बतलाए हैं, परंतु सामान्यतः यह पांच प्रकार के ही होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, पांचों प्रकार में कौन कौन से हैं, दृष्टि उद्दीपक, विजुअल स्टिमुलस, श्रवण उद्दीपक, ऑडिटरी ये स्टिमुलस, स्पर्श उद्दीपक, टच स्टिमुलस, स्वाद उद्दीपक, गस्टरी स्टिमुलस, ध्रान उद्दीपक, ओल्फैक्ट्री स्टिमुलस। तो चूँकि ये पांच ही प्रमुख हैं, है ना, ये पांच आपके क्या हैं, प्रमुख हैं, और ये इनके बारे में हम अलग से फिर आपको बताएंगे, है ना। तो ये इन पांच जो उद्दीपक हैं, इनके जो प्रकार हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब ये इसका हो गया क्या, दृष्टि उद्दीपक, श्रवण उद्दीपक, स्पर्श उद्दीपक, स्वाद उद्दीपक और ध्रान उद्दीपक, ठीक है। तो बच्चों, आप 11th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे इस उद्दीपक के बारे में आप समझें
उद्दीपक क्या होता है, और हमने अभी आपको उद्दीपक के बारे में बताया कि बाह्य उद्दीपक और आंतरिक उद्दीपक क्या होता है और कैसे शरीर पर प्रभाव डालता है जिसका बाहर रूप से हमें प्रत्यक्षण होता है। और ये चूँकि उद्दीपक जो होते हैं पांच प्रकार के, मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं जिसे हमने अभी आपको बताया, तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि पांच प्रमुख प्रकार हैं जिनका व्यक्ति प्रत्यक्षण करता है ना। तो बच्चों अगले क्लास में मैं आपको सभी बारे में बताऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।